इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। हो सकता है जो पिछली वीडियो थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो भी आपको थोड़ी कम समझ आई हो, तो इस वीडियो में हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 14 आप बेयर एक्ट पढ़ लें, पर बेयर लैंग्वेज देख लें कैसे हैं सेक्शन 10 से लेकर 14 तक, उसके बाद इस वीडियो को देखें और उसके बाद एक बार दोबारा से आप बेयर लैंग्वेज पढ़ लें सेक्शन 10 से लेके 14 तक। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर बात की गई है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, कैसे बनता है, ठीक है, कौन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें 5 पॉइंट निकाले हैं मैंने जो इसकी बेयर लैंग्वेज के अंदर से ही है। अगर ये 5 पॉइंट प्रूव हो जाते हैं तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। 5 पॉइंट कौन से हैं? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट अगर ये 5 कंडीशन प्रूव हो जाती हैं तो। पहली चीज है, एग्रीमेंट है ना जो, वो मेड बाय फ्री कंसेंट होना चाहिए। पहली चीज है मेड बाय फ्री कंसेंट। दूसरी चीज है ऑफ पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट किसकी? पार्टीज की जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपिटेंट हैं, लायक हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। पहली फ्री कंसेंट, दूसरी जो पार्टी कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तीसरी चीज है फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। उस कॉन्ट्रैक्ट की एक लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन वो होती है जो एक प्रोमिस के बदले में मिलती है, कंसिडरेशन कोई भी चीज दे सकते हैं। चौथी चीज आ गई विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, उसका जो मकसद है ना कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट का एक लॉफुल मकसद होना चाहिए, एक उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। पांचवा पॉइंट आ गया, और जो वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है वो डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए एक्सप्रेसली, यहां के बाद, इस सेक्शन के बाद या फिर इस कोड में या फिर कहीं और, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए एक्सप्रेसली। ये 5 पॉइंट हैं, अगर ये 5 अप्लाई करते हैं तो कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसके बाद एक बात कही गई है, नथिंग हेयर अफेक्ट एनी लॉ। ये इसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज वो होता है जो नो से शुरू होता है, उसमें बेशक नॉट विदस्टैंडिंग आए, नथिंग आए या कुछ भी इस तरीके का आए। कहने का मतलब ये जो सेक्शन है या ये जो कानून है ये अफेक्ट नहीं करता है किसी भी ऐसे कानून को जिसमें ये बात कही गई है कि पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही बन सकता है, तो वो राइटिंग में ही बनेगा। या फिर अगर कोई कानून बोलता है कि किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए विटनेसेस की ज़रूरत है, प्रेजेंस ऑफ विटनेस, गवाह चाहिए मौके पे, तो वो गवाह की भी ज़रूरत होगी। तीसरे नंबर पे ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए कोई कानून अगर देश में लागू है तो उस कानून के साथ भी ये कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। उसके अलावा ये 5 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 में 3 पॉइंट बनते हैं। मतलब ये किस चीज़ का है सेक्शन 11? ये कंपिटेंसी का है कि कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कब कंपिटेंट हो सकता है। तो ये अगर 3 पॉइंट अप्लाई कर जाते हैं, कंप्लाई कर लेते हैं, तो कोई भी बंदा कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। 3 पॉइंट कौन से हैं? पहला, हु इज, जो बंदा इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, मेजर है, कौन से लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। जैसे कि कोई अमेरिका का बंदा इंडिया में आके कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो सब्जेक्ट कौन से कानून का है? अमेरिका के कानून का सब्जेक्ट है क्योंकि वो वहां का सिटीजन है। तो अब उसकी एज ऑफ मेजोरिटी अमेरिका के हिसाब से देखी जाएगी। इंडिया में तो 18 साल है मेजोरिटी की एज, अगर अमेरिका में 15 भी होगी ना तो भी वो 15 ही मान लिया जाएगा और उसको मेजर मान लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, पहली चीज तो आ गई कि उसकी उम्र मेजोरिटी की होनी चाहिए, कौन से लॉ के हिसाब से, जिस देश का वो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। दूसरा पॉइंट, हु इज ऑफ साउंड माइंड, जिसका साउंड माइंड है। साउंड माइंड की डेफिनेशन भी हम आगे पढ़ेंगे, मतलब जिसका दिमाग ठीक ठाक चल रहा है,
ओके रिपोर्ट में है। तीसरा नंबर, हु इज नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। कोई ऐसा कानून जिसका वो सब्जेक्ट है ना, उसने उसके ऊपर मतलब उसको डिसक्वालीफाई नहीं किया है, उसके ऊपर कोई ऐसी रोक नहीं लगाई है कॉन्ट्रैक्ट करने से, अगर नहीं लगाई है तो वो बंदा कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तीनों कंडीशंस फॉलो करनी ज़रूरी है तभी कोई बंदा कंपिटेंट होगा। ये हमने पढ़ लिया कंपिटेंसी का। उससे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में, कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, इसके बाद हमने पढ़ लिया कंपिटेंसी का। अब हम पढ़ते हैं 12 के अंदर है कि साउंड माइंड की क्या डेफिनेशन होती है। इसके अंदर चार एस्पेक्ट्स बताए हैं मैंने, मोटा मोटा समझाने की कोशिश की है। एक पर्सन को कब कहा जा सकता है कि वो साउंड माइंड का है। पहली चीज, कहना किसके लिए, आपने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए किसी पर्सन को साउंड माइंड का कब कहा जा सकता है, इसलिए मैंने लिखा है फॉर पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। पहला, ये सारी बेयर लैंग्वेज ही है, बस थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया मैंने इसका। टाइम आ गया। दूसरा, किस टाइम साउंड माइंड देखना आपने, एट द टाइम विच ही मेक्स इट, ही जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है उस समय वो बंदा साउंड माइंड का, ठीक है, उस समय वो बंदा साउंड माइंड का हो, साउंड माइंड का नहीं, कैपेबल हो, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना है उस समय वो बंदा, तीसरा पॉइंट, कैपेबल होना चाहिए किस चीज़ के लिए, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड कर सके, प्लस फॉर्म कर सके, चौथा पॉइंट, फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट, एक रैशनल जजमेंट कर सके किसके बारे में, कि इस कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या पड़ेगा उसके इंटरेस्ट के ऊपर, जो उस बंदे का इंटरेस्ट है ना, चौथा पॉइंट कह रहे हैं कि एक रैशनल जजमेंट ले सके, और तीसरे पॉइंट में वो अंडरस्टैंड कर सके कि इस कॉन्ट्रैक्ट बनाने का उसके इंटरेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो बंदा इस चीज़ का कैपेबल है, सेकंड पॉइंट, उस टाइम पे जिस टाइम वो बना रहा है, तो वो बंदा साउंड माइंड है। समझ गए, कैपेबल होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग का और फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट का। अब आ गया भाई नीचे इसके जो दूसरे क्लोजेज में लिखा गया है, यूजुअली अगर कोई बंदा अनसाउंड है, मतलब यूजुअली आमतौर पर अगर किसी बंदे का दिमाग ठीक काम नहीं करता, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को और रैशनल जजमेंट नहीं बना सकता, लेकिन ओकेजनली, लेकिन किसी किसी समय उसका दिमाग ठीक काम करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उस समय जिस समय उसका दिमाग ठीक काम कर रहा हो, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगला पॉइंट, कोई बंदा यूजुअली साउंड माइंड का हो, मतलब कोई यूजुअली तो ठीक ठाक है लेकिन ओकेजनली उसके कोई दिक्कत हो जाती है, ओकेजनली वो अनसाउंड हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता किस समय, जिस समय वो अनसाउंड माइंड का हो। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा जरूरत है इसमें पढ़ने की अपने को, साउंड माइंड वगैरह, कौन बंदा साउंड माइंड का होता है। अब हम पढ़ते हैं 13 में डेफिनेशन दी गई है कंसेंट की, कि कंसेंट क्या होता है, कोई भी दो बंदे कब कंसेंट करते हैं, कैसे करते हैं, उसे क्या कहा जाएगा। तो इसके मैंने छोटे से दो पॉइंट निकाले हैं, वो आप पढ़ लें। कोई भी दो या दो से ज़्यादा पर्सन कब कहे जाएंगे कि सेड टू कंसेंट, कब कहे जाएंगे कि उनकी सहमति है। पहला पॉइंट, व्हेन, जब वो एग्री करें अपॉन सेम थिंग, एक थिंग के ऊपर, किसी एक चीज़ के ऊपर वो क्या करें, एग्री करें, सहमति रखें। दूसरा पॉइंट जो उससे भी इम्पोर्टेंट है, इन सेम सेंस, और सेम सेंस में एग्री करें, मतलब वो किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए उस चीज़ के रिगार्डिंग, एक ही सेंस में एग्री करें और सेम थिंग पे एग्री करें। ये डेफिनेशन होगी कंसेंट की, इसके बारे में भी पूछ लेते हैं, तो पूरा ही लिखना होता है सेम थिंग अप इन सेम सेंस। ओके, अब सेक्शन 14 आ गया भाई, कंसेंट मतलब फ्री कंसेंट क्या होता है, कैसे हो सकती है। कंसेंट फ्री होगी व्हेन नॉट कॉज्ड बाय दीज 5 पॉइंट्स, अगर इन 5 पॉइंट के अंडर नहीं है, इनके द्वारा कॉज्ड नहीं है तो वो फ्री कंसेंट है, इनके द्वारा कॉज्ड है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। ये 5 पॉइंट कौन से हैं, 15 लिखा हुआ पहले, 15 वन के आगे, ये सेक्शन 15 में मेंशन है कोर्जन, ठीक है, इसमें आता है डराना धमकाना, ये इस तरीके की चीज़ें। 16 आ गया इसमें पॉइंट 2 में, ये है अनड्यू इन्फ्लुएंस, जब एक बंदा
दूसरे बंदे पे कोई प्रभाव डालता है किसी भी तरीके से, और उसको मतलब उस प्रभाव के चलते कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, एग्रीमेंट करना पड़ता है, तो ये आ गया सेकंड। थर्ड आ गया फ्रॉड। फोर्थ आ गया मिस रिप्रेजेंटेशन, के कोई मिस रिप्रेजेंटेशन होगी, ये सेक्शन 18 में है। मिस्टेक आ गया सेक्शन 20, 21 और 22 में, जो पॉइंट 5 बनाया मैंने। अगर इन चीज़ों से कॉज्ड है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है, और ये चीज़ें एबसेंट हैं तो वो फ्री कंसेंट है। नीचे क्या लिखा हुआ है, कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज्ड, कंसेंट कही जाएगी कि कोर्जन से, अंडू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से कॉज्ड है, जब इट वुड नॉट हैव बीन गिवन, जब वो कंसेंट नहीं दी गई होती, लेकिन दी गई है इन चीज़ों की एग्जिस्टेंस की वजह से। वो बंदा कंसेंट नहीं देता, लेकिन कोर्जन में जब उसको डांटा गया या कोई और फोर्स यूज़ की, कोई आईपीसी का ऑफेंस करने की कोशिश की उसके साथ, और उस डर में उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसकी कंसेंट फ्री नहीं है। तो ये हमारा लास्ट सेक्शन था। उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आपको ज़्यादा समझ आएगा। वीडियो बेशक थोड़ी छोटी है, आप एक बार मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये तरीका आपको इफेक्टिव लगा या नहीं। इस वीडियो को देखने से पहले भी आपको कहा था एक बार बेयर लैंग्वेज पढ़ लें, और वीडियो को देखने के बाद भी पढ़ लें, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।